देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्माता है, बहुत ज़्यादा घबराता है या उसमें बहुत ही कम कॉन्फिडेंट होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं यू आर वेरी शाय। अब आप शाय की जगह यूज़ कर सकते हो टिमिड, और ये वाला सेंटेंस हो जाएगा यू आर वेरी टिमिड, यानी यू आर वेरी शाय, यू आर वेरी टिमिड, दोनों की सेंटेंस का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्मिला है, बहुत ज़्यादा घबराता है और बहुत ही कम उसमें कॉन्फिडेंट है। हाउ दैट, इस वीडियो से आपको वेरी टिमिड का हिंदी मीनिंग समझ में आया होगा। थैंक यू।